हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी टू गुड। आज की वीडियो में मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टेरेस के बारे में कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। मैं अभी टेरेस पर खड़ा हुआ हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे टेरेस पर हम टेरेसिंग कराना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो आपको टेरेस की सरफेस दिख रही है, इस टेरेस की सरफेस पर हमने इन्वर्टेड बीम निकाले हुए हैं, क्योंकि नीचे हमें लटक ज़्यादा नहीं देनी थी, फ्लोर हाइट कम थी लॉ के अकॉर्डिंग, तो हमने इन्वर्टेड बीम निकाल दिए उस केस में। ओके, उसके बाद हम टेरेसिंग कर रहे हैं। तो टेरेसिंग में सबसे पहले हमने वाटर प्रूफिंग की, वाटर प्रूफिंग के बाद प्रोटेक्शन प्लास्टर किया, उसे टेस्ट करने के बाद वाटर प्रूफिंग, उसके बाद जो मेरी टेरेसिंग होनी है, टेरेसिंग का मतलब है जैसे गर्मियों में या सर्दियों में, बहुत सर्दी होती है गर्मियों में, ज़्यादा सर्दी होती है, तो उस चीज़ को टेम्परेचर को, बाहर के टेम्परेचर को और अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मतलब सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी ना जाए अंदर और गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमारा गर्म ना हो अंदर का, उस चीज़ को रजिस्ट करने के लिए हम टेरेसिंग करते हैं। टेरेसिंग दो तीन तरीके से होती है, एक तो होता है मेरा मड फस का, जिसमें हम पहले मिट्टी लगाते हैं, मिट्टी के बाद हमें क्या करना होता है, उसके ऊपर नीचे पॉलीथीन बचा के मिट्टी डाल के उसके ऊपर टाइल्स वगैरह लगाते हैं ब्रिक की। अभी हम यहाँ पर टेरेसिंग की बात करें तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ये मेरी सरफेस पर वाटर प्रूफिंग हुई, प्रोटेक्शन प्लास्टर हुआ, उसके बाद ये AAC के ब्लॉक्स हैं, ये लाइट वेट मेरे ब्लॉक होते हैं, इनमें वजन काफ़ी कम होता है और ये हीट को इंसुलेट करते हैं, उस टाइप की इनकी क्वालिटी होती है। हम इन्हें इस इन्वर्टेड बीम के लेवल से बिछा रहे हैं, ये हम पूरे एरिया में बिछा देंगे। बिछाने के बाद हम इसके ऊपर PCC करेंगे और उसके ऊपर टाइल्स वगैरह जो भी वगैरह हमें लगाना होगा वो लगाएंगे। ये एक प्रोसीजर है, इससे हमारा जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर लगभग 8 से 9 डिग्री तक मेरा बाहर से गर्मियों में कम होगा, सर्दियों में थोड़ा बढ़ा हुआ होगा। जैसे यहाँ पे मैं ये बिछा चुका हूँ ACC ब्लॉक, ये आप देख पा रहे होंगे, ये मैं बिछा चुका हूँ इस एरिया में। इसके बाद ये मेरा PCC का ठियाँ लगा हुआ है, लेवल मार्क किया हुआ है और इस लेवल से मैं ये PCC कर रहा हूँ। इस साइड में ऑलरेडी PCC कर चुका हूँ इसी लेवल पे, तो इस टाइप से मैं PCC करने के बाद इस पर टाइल्स वगैरह जो भी मुझे लगाना होगा मैं लगाऊँगा। कूल टाइल आती हैं आजकल मार्केट में, कूल टाइल के नाम से ओरिएंट वेल वगैरह की मिल जाती हैं आपको, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, जो भी अच्छी कंपनी हो आप ले सकते हैं, कजारिया की भी ले सकते हैं, वो कूल टाइल के नाम से आती हैं, इंसुलेटेड टाइल, जिससे कि वो भी मेरी टेम्परेचर को बियर करते हैं, गर्मियों में उन पर चढ़ेंगे तो आपके पैर भी गर्म नहीं होंगे, इस तरह की उनकी क्वालिटी होती है। ये टेरेसिंग से रिलेटेड आपकी कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।